ভাই বেশি खुशियों के महलों में बैठो
खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो, उस घर में खुशहाली आए, जिस घर में तुम्हारी शादी हो, तारों का चमकता गहना हो, फूलों की महकती वादी हो। तो बस अभी 12 बजने वाले हैं, अभी फ्रेंड में बहुत लोग लौट चुके हैं और बचे हुए इधर दीपक, कन्हैया, कडली और अमित आनंद जी का कोई बाहर बाहर गया है, वो जो गर्लफ्रेंड से बात कर रहा है। नहीं, अपना जो प्लास्टिक लगाया था, बच्चा को जो खाना है उसमें वो पैक कर रहा है। आधा चीज तो पहले ही पैक कर चुका था, लेकिन अभी जो बाहर बच गया था उसको पैक कर रहा है। हाँ, तो बस वही जो वो पैक कर रहा है और हम अपना पैक कर लिया, उसके कन्हैया अपना पैक कर लिया है और फिर आगे देखते हैं, अगर और मौका मिले तो हम पैक कर लेंगे। सबसे मजेदार बात, आगे लाओ, राजन को पता ही नहीं था किसी के बहन का शादी है, ये खुद पैक करने बैठ गया, बोले भाई तुम्हारी बहन का शादी है, तो बोला नहीं पापा, ये तो मेरा लॉस हो रहा है। तो फिर चलिए आगे का छोटा मोटा क्लिप हम इसमें ऐड करते रहेंगे, जो कि हमारा जो कि आप लोग को ब्लॉग में बनी रही है और देखिएगा आप लोग नेक्स्ट क्लिप के साथ। कुछ कहना है नहीं, कर ली Bro, tell something in English. कल ये बंदे का एयरफोर्स का एग्जाम है, मुजफ्फरपुर में कहा आप लोग बेशक मुजफ्फरपुर राम दयालु में है, तो एग्जाम नहीं निकला तो भोला बाबा जल डालते हैं ना। अरे इधर काटू भाई, इधर आ जा रहे हैं, तो गर्लफ्रेंड से बात हो गई भाई, गर्लफ्रेंड से बात हो गया। अमित 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 गर्लफ्रेंड से बात हो गया, वीडियो बना रहे हैं, वीडियो नहीं बना रहे, गर्लफ्रेंड से बात हो गया। अच्छा बोलो, सारे इंसान दीपक भैया की नापाक कोशिश आखिर असफल ही रही। पंचम वैष्णव है तो दोबारा और खष्ट ऋतु बैठ रहे तो सतवा और सब बैठ रहे दूर हो गया। अग्नि का परिक्रमा रखवाइये, चार आती अग्नि का सामने रखवाइये, परिक्रमा कराइए, अग्नि के रखवा के परिक्रमा करवा दूंगा। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि अब रात से सुबह हो गई है और अब हम लोग थोड़ी देर में जो होने वाला विदाई का मतलब टाइम आने वाला तो आप लोग को दिखाएंगे। तो अभी हम लोग कैसे टहलते टहलते कहाँ चले गए थे कन्हैया? विश्व शांति स्तूप। विश्व शांति स्तूप, लेकिन वहाँ पे हम वीडियो नहीं कर पाए क्योंकि अभी अंधेरा था, फिर आ जाते फिर उजाला हो गया, देख सकते ऊपर, क्योंकि वो मतलब ऊपर से परमिशन देना पड़ता है, परमिट पास किए थे अमित भाई, तो पास होते होते थोड़ा टाइम लग गया, तब जाके उजाला हुआ है। फिर चलिए फिर आगे, फिर देखते हैं। सोचिए कि अब दिन हो ही गया तो एक बार आप लोग को दिन का भी यहाँ का व्यू दिखा दें। इसके पीछे क्या कन्हैया? वो जापानी टेम्पल, जापानी टेम्पल जो कि ये होटल है उसके पीछे। हाँ, तो वो आ कह रहे थे इसको जापानी टेम्पल ही बोलेंगे ना, तो यही है हमारा डेस्टिनी जहाँ पे आके हम लोग का हुआ है दी का शादी। और इधर हमारे सारे फ्रेंड्स हैं जो खड़े हैं। Thank you.
ये घर बहना कुछ दिन का ठिकाना है। बन के दुल्हन एक दिन तुझे दिया घर जाना है।